भाई सामान आया और अनबॉक्सिंग भी कर दी हमने, पता नहीं इतनी उतावली किस बात के थे हम। ले भाई ले तुषार, तुषार 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 द मैकेनिक, शाम तक सही से लगाइयो। तो भाई मीट विनय अगेन। विनय तो विनय दो, आपका नाम वासु, यहीं पे रहते अभिषेक। तो सामान सारा आ गया, तुषार के ज़्यादा उचावली मची थी, LED लगाने में लगा पड़ा है। क्या देखेगा सबसे पहले भाई? इसका पैसा तो दे दे। अरे ये तो था यार, तेरा ही चैनल चलेगा भाई, इसमें और क्या चलेगा। ये रही रहा, ले 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 ले। भाई तुम्हारा वेट ऑलरेडी कम हो चुका है भाई, ये बंदा देखो मतलब कहाँ जाएगा डाइटिंग करके। जो मैं ग्रीन टी ले रहा हूँ ना, वो मैंने चलो दिखाई तो नहीं, लेकिन वो इन्हीं की सब्सक्रिप्शन पे प्रिस्क्रिप्शन पे ली है। अब देखते वेट लॉस होता है गेन होता है, भाई मुझे लग रहा है गेन ही होगा, कि 3 किलो तो ऑलरेडी गेन हो रखा है। तुषार की टर्मिनोलॉजी है, खाओ ना खाओ वजन फिर भी बढ़ना है, तो इसलिए खाने पे ध्यान दो। सर विनय चला गया थोड़ा अपनी रिश्तेदारी में घूमने के लिए, इतना हम इसको चेक कर दी यूट्यूब को। क्या सर्च करने है भाई, कहाँ से सर्च होगा? ब्रदर अच्छा किस तरफ जाएगा, कैसे जाएगा? भाई अब तो नेटफ्लिक्स का भी रिचार्ज लेना पड़ेगा। सही है, मैंने यार मिर्जापुर 2 नहीं देखा भाई, मिर्जापुर 2 इसमें चलेगा बिल्कुल दबा। भाई दोनों भाई देखा करेंगे रात को सुनी के बैठ के, एक एक एपिसोड निपटाएंगे। अब एक एक वेब सीरीज पकड़ के, बिग बॉस से तो अच्छा है, तू बिग बॉस देखती है। बिग बॉस अच्छा है। मैं बिग बॉस अच्छा है। आज का व्लॉग अच्छा नहीं जाएगा, मैंने बता रहा हूँ, मैं इसने बिग बॉस का नाम ले दिया। अरे वो तूने इतनी देर में देखो भाई, इसने स्पेलिंग देखो क्या लिखी है, SHEKE हैं? पता है मुझे। SHEKEHR। चलो बाय ब्रो। तो थोड़े टाइम की मेहनत के बाद हमने लाइक 1-1.5 घंटे में सारा काम फिनिश कर दिया, सारा सामान हमने ऊपर चढ़ा दिया, भाई का रूम फिक्स कर दिया, सारी चीज़ें सेट कर दी, बस एक LED बचती है। LED बाद में लगाएं, बिकॉज अभी हमारे पास ड्रिल मशीन नहीं है। जो हमारी ड्रिल मशीन थी वो शायद चोरी हो गई थी यार, जब यहाँ पे काम चला था ना, शायद वो उनमें से कोई ले गई, या ये तो नहीं पता कौन ले गई है कौन नहीं ले गई है, बट गायब हो गई, बहुत ढूंढी नहीं मिली वो। दिवाली टाइम पर यही होता है, जब सफाई करो ना तब तुम्हें पता लगता है तुम्हारे घर में क्या क्या चीज़ें गायब है। उससे पहले ज़रूरत पड़े तो ठीक, नहीं पड़े तो बात ही क्या। तो फिलहाल यार हाँ सोफे देख लो, ये पूरा सोफा सेट ना यहाँ पे आ गया, एंड जो यहाँ पे सोफा सेट पहले पड़ा था वो 2 सोफे मम्मी के कमरे चले गए। पहले मैं सोच रहा था अपने रूम में रख लूँ वो वाले सोफे सेट एंड वो टेबल अपने रूम में रख लूँ, बट देन मेरा कमरा इतना बड़ा नहीं है, तो मैं वहाँ के लिए चेयर और टेबल दूसरे मंगाने वाला हूँ। आई विल बी ऑर्डरिंग फ्रॉम Amazon, मैंने देखी है बहुत प्यारी टेबल है वो। अभी जब मेरी नेक्स्ट मंथ की सैलरी आएगी फिर मेरी सेविंग्स में से मुझे निकालना पड़ेगा। मैं अपनी सेविंग्स को ज़्यादा खर्च नहीं करता, बस अपनी जो एक्स्ट्रा बचता है मेरे पास मैं उसी को खर्च में यूज़ करता हूँ, एंड उसी में से ही मैं लेने वाला हूँ अभी iPhone 11। मेरे को लेना पड़ेगा बिकॉज अभी मेरा फ़ोन हो चुका है बिल्कुल ख़राब हो चुका है। मैं इसमें टाइप करता हूँ कुछ और लिखा जाता है कुछ, कभी कभी स्वाइप करने में ऊपर करने में भी ना ये हैंग हो जाता है, पता नहीं इसकी डिस्प्ले में प्रॉब्लम है। बट ओवरऑल ये 3 साल इस फ़ोन को होने वाले, अभी दिसंबर में 3 साल हो जाएंगे, एंड काफ़ी चल गया ये। पहले मैंने अपनी सैलरी से ख़रीदा था, जब मेरे उस महीने में बताऊँ मेरी सैलरी उस महीने 38,000 आई थी, एंड 38,000 में से मैंने अपनी कप प्रिंटिंग कराए थे,
एंड जो मेरा महीने का खर्चा होता था वो उसमें से निकाला था. कुछ पैसे मैंने बचाए थे और बाकी 16,000 रुपये का मैंने फ़ोन ख़रीदा था. तो वो महीना बहुत सही था. मतलब उस वाले महीने की बात हो तो उसमें वो वाली वीडियो मैंने अपलोड करी थी, जाने तो जिसको जाने या ये ज़िंदगी बहुत बड़ी खजाने खजाना है. एंड दैट वीडियो वेंट वायरल ऑन यूट्यूब, जिसकी वजह से उस वीडियो ने, अकेली वीडियो ने चैनल को मतलब एक बहुत बड़ा बूस्ट दिया, जिसकी वजह से काफ़ी सारा मतलब यूट्यूब मनी आ गया था मेरे अकाउंट में. दैट्स वाई आई बॉट दिस फ़ोन फॉर माई फर्स्ट सैलरी एंड ये मैं रखने वाला हूँ अपने पास. पता नहीं कब तक नहीं रख पाऊँगा, बट आई बी कीपिंग दिस फ़ोन. एंड मैं रियल मी की केयर पे जाऊँगा, इसका ओरिजिनल फोल्डर देखूँगा कितने का, जो भी इसमें खर्चा आएगा ना 3-4 हज़ार का भी आए मैं उसमें लगाऊँगा, बिकॉज ये मेरा फ़ोन पहली कमाई से है एंड इसको रखना मेरे लिए सबसे बड़ी बात होगी. सो गाइस, सो फार सो गुड, अभी तक तो दिन अच्छा जा रहा है एंड जुकाम फिर से बहुत ज़्यादा हो रहा है. थोड़ी बहुत दवाई मिल लूँगा अभी चेकअप करा के थोड़ा सा. आई गॉट दिस स्टिकर्स, ये फ्री आए थे चुपा चिप्स के साथ. अपनी शॉप होने का बस ये फ़ायदा है कि आपको बहुत सारा सामान फ्री में मिल जाता है. जैसे आज हमारे पास एक टिफिन बॉक्स फ्री में मिला और एक बॉल फ्री में मिली. फ्री में तो नहीं आता, वो एम आर पी भी एडजस्ट कर लेते, बट स्कीमें चलती है ना फेस्टिवल ऑफर्स में, तो सामान भी आपको काफ़ी कुछ मिल जाता है. एंड ये स्टिकर्स उसी में से मिले, काफ़ी बढ़िया है यार, कूल है. अभी मैं कहाँ लगाऊंगा ये भी सोचना पड़ेगा, बिकॉज मैं दिखाता हूँ आपको कितनी बढ़िया है. जो ऊपर ही दे रखा ना, पहले ये देख लो, ज़िंदगी रूड है हम फिर भी डूड है. क्या लिखा है? ज़िंदगी रूड फिर भी हम डूड. इट्स काइंड ऑफ लाइक कूल थिंग, अगर मेरे रूम में लगेगा तो अच्छा लगेगा. तो जब से बिना गया था ना यार, खाना वाना खाने के बाद बिना चला गया था 3 बजे अपने घर पे वापस, और तब से बस मैं यहीं पे शॉप पे ही हूँ, थोड़ा हेल्प करा रहा हूँ. बाकी बाहर सामान लगा रहे थे, चॉकलेट्स वगैरह देख रहे थे, जो मिठाइयाँ वगैरह आई वो सब देख रहे थे, कितना कहाँ रखना है, कितना कैसे कैसे करना है. तो बाकी यार टोटल टाइम पूरा बिजी हो गया. हाँ अभी तेरे को क्या करना? हाँ तो यार पहले कमेंट करके ज़रूर बता देना अगर आपने नोटिस किया हो, बियर्डेड फेस और ये वाला फेस में से कौन सा बेटर है. लाइक मेरे को सच में लाइक हल्की हल्की दाढ़ी वाले जितनी ये है ना, बस इतनी दाढ़ी मेरे को क्लीन शेप पसंद है. बाकी पापा बोलते रहते हैं, पापा को लाइक थोड़ा दाढ़ी पसंद है, मतलब थोड़ा हैवी सा फेस पसंद है मेरा. अभी मैं हैवी सा पूरा बॉडी हो रखी है, बट फेस मेरे को हल्का ही पसंद है. जैसे ये है ना, सेम टू सेम जैसा अभी फिलहाल. पिछली बार के जैसे इतनी रौनक नहीं है इस बार दिवाली में. ज़्यादातर लोग मार्केट में नहीं देखे जा रहे यार. पिछली बार बहुत ज़्यादा सुकून था, बहुत ज़्यादा मन लगता था यहाँ बाहर बैठने में. इनफैक्ट मैं भी यहीं पर रहता था, म्यूज़िक सिस्टम ने सारा बाहर ही रखा हुआ था. देन पूरे मार्केट करने में बहुत मज़ा आता था पूरा टाइम पे. जो लोग शॉप में, जिनके घर में शॉप होगी ना, जिनका बिज़नेस ऐसा होगा ना, तो वो लोग समझ पा रहे हैं मैं किस वाइब की बात कर रहा हूँ, किस फीलिंग की बात कर रहा हूँ. अभी बस परसों तरसों जो 2-3 दिन रहेंगे ना, फेस्टिवल्स के दिन रहेंगे ना, उनमें मज़ा आने वाला है. Thank you.